मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु। ओम नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वचायाणम् नमो लोये सवसाहु। जय जिनेन्द्र एंड वेलकम टू मंगलम। Today we have yet another exciting program for you. Today we will listen to Tarun Sagarji Maharaj talking about what are the principles of any religion and how every religion is suffering from people not understanding the religion. Then we will listen to Jain news, there will be a Bhakti Sangeet, and in the end we will present to you the highlights of Sanskar program and a Jain thought. Welcome to Mangalam. Today we listen to Tarun Sagarji Maharaj, who is a very revolutionary saint in Jain religion. He has revolutionized the way we think about religion and day-to-day life. What he is telling us today is that every religion, the principles are taken by everybody as something to brag about, but not to practice upon. If we start practicing the religion the way it has been taught, we will have a different way of life. So please enjoy the lecture. इस देश का एक दुर्भाग्य रहा है कि देशवासियों ने अपने आदर्शों की प्रशंसा तो की है, लेकिन अपने आदर्शों को पसंद नहीं किया। किसी भी मजहब और किसी भी धर्म का आदमी रहा हो, उसने अपने आदर्शों की प्रशंसा में कभी कोई कंजूसी नहीं दिखाई। जी खोल करके प्रशंसा की है और प्रशंसा में हजारों ग्रंथ सैकड़ों ग्रंथ भर गए, लेकिन अपने आदर्शों को पसंद नहीं किया गया। हमारे समाज में, हमारे मुल्क में, हमारे देश में अगर जो चारित्रिक विसंगतियां हैं, चिंतन और विचार में, चर्या में जो विसंगतियां हैं, उसकी वजह जो मैं समझता हूं केवल यही है, आदर्शों की प्रशंसा हुई पर आदर्शों को पसंद ना किया गया। प्रशंसा करना बड़ा सरल काम है, बड़ा सरल काम है, कुछ भी तो नहीं लगता है, उठाई जीभ तलवे से दे मारी होगी प्रशंसा। लेकिन पसंद करने का अर्थ होता है कि जो आदर्शों ने किया है वो तुम्हें करना है, जो उन्होंने जिया है वो तुम्हें जीना है, जो उन्होंने पाया है वो तुम्हें पाना है। जिस तरह से कठोर तपस्या, जीवन में सात्विकता, जीवन में उदारता उन्होंने अपनाई है, वही उदारता, वही सात्विकता और वही तपस्या तुम्हें अपनानी है। कल ही मैंने कहा था कि एक अदनंगे फकीर ने इस देश को आजादी दिलाई, सारी दुनिया उसे मोहनचंद करमचंद महात्मा गांधी के नाम से जानती है। वो महात्मा गांधी जिसने जीवन में त्याग अपनाया, जिसने जीवन में संयम अपनाया, जिसने जीवन में मर्यादा अपनाई और एक धोती पहन करके देश की आजादी के लिए निकल पड़ा। लोग पूछते थे कि बापू आप अच्छे से कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं, आप अच्छे से वस्त्र क्यों नहीं पहनते हैं, बहुत वस्त्र हैं, आप पूरे वस्त्र क्यों नहीं पहनते हैं, केवल एक धोती घुटने से ऊपर की। बापू कहा करते थे, मेरे देश में मेरे बहुत से वैसे भाई हैं जिनके पास तन ढकने के लिए, इज्जत बचाने के लिए कपड़े तक नहीं है, फिर मैं पूरे कपड़े कैसे पहन सकता।
मैं अकेला इस देश में नहीं रहता हूँ, मैं अकेला इस भारत में नहीं रहता हूँ, मेरे इस भारत में रहने वाले लाखों नहीं करोड़ों मेरे भाई हैं, उन सबकी भी मुझे चिंता करनी है, उन सबकी भी मुझे परवाह करना है। और यही वजह कि गांधी जी एक धोती घुटने से ऊपर की, एक लंगोटी, उसे मैं लंगोटी कहता हूं, इस देश को आजादी मिली है तो वो त्याग पर मिली है, वो संयम पर मिली है, वो मर्यादा में रह करके मिली है, वो अहिंसा के बलबूते मिली है, वो सात्विकता के बलबूते मिली है। और इसका सर्वाधिक अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो महात्मा गांधी को जाता है। लेकिन उस गांधी की मृत्यु के पश्चात गांधी के मानने वाले लोगों ने गांधी के साथ क्या किया? मेरे सामने 500 का नोट लाया गया, मैंने उस नोट को उलट पलट करके कई बार देखा, मुझे दोनों तरफ गांधी जी दिखाई दिए। तब मैंने कहा कि वाह गांधी, क्या चली तुम्हारे नाम की आंधी, और जीवन भर फिरे एक लंगोट में और आज बैठे हो 500 की नोट में। जो गांधी एक लंगोट में फिरता रहा देश की आजादी के लिए, देश को स्वतंत्र करवाने के लिए, आजादों को आजाद, अंग्रेजों को इस देश से बाहर खदेड़ने के लिए, गांधी की समाधि के बाद, गांधी की मृत्यु के बाद, गांधी के ही भक्तों ने, गांधी के ही शिष्यों ने गांधी को 500 के नोट में बिठा करके ये सोच लिया कि हमने गांधी जी की अर्चना कर ली, पूजा कर ली, गांधी जी के पद का अनुकरण कर लिया, ये इस देश का दुर्भाग्य रहा है। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह रहा कि जब हमने अपने आदर्शों का, अपने तीर्थंकरों का, अपने अवतारों का, अपने ऋषि मुनियों का, अपने गुरुओं का, अपने जगत गुरुओं का, अपने शंकराचार्यों का, अपने ही पूज्यवरों का, आदर्शों का, आचरण का अनुकरण नहीं कर पाए, तो हम उन आदर्शों को उसी मोह माया में घसीट लाया करते हैं, जिस मोह माया से ऊपर उठ करके वो पूज्य हुआ करते हैं, वो अभावान हुआ करते हैं, वो दिव्य और भव्य हुआ करते हैं। इस देश का ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। गांधी के भक्तों ने जो गांधी के साथ किया, वही जैनों ने महावीर के साथ किया। प्रत्येक महापुरुष के साथ ये दुर्घटना घटी है। लगभग यही दुर्घटना राम के मानने वाले लोगों के जीवन के साथ घटी है। रामचदरिया ओढ़ करके लोगों ने मान लिया कि हमने राम का आशीष प्राप्त कर लिया। ओढ़ना था राम को, ओढ़ना था राम की मर्यादा को, ओढ़ना था राम के आचरण को, ओढ़ना था राम के संयम को, ओढ़ना था राम की प्रतिज्ञा को, ओढ़ना था राम के चरित्र को, लेकिन हम राम की मर्यादा ना ओढ़ सके, राम की चर्या ना ओढ़ सके, राम का संयम ना ओढ़ सके, राम की प्रतिज्ञा ना ओढ़ सके, राम जैसा आचरण ना ओढ़ सके, अपितु रामचदरिया ओढ़ करके हमने ये अहंकार पाल लिया कि राम की आराधना हमने कर ली और राम के सही मायने में हम भक्त बन गए, अनुयायी बन गए। मान्यवर, मेरी सब लोगों से गुजारिश है बड़ी विनम्रता के साथ कि महावीर की जय घोष करने से कोई जैन नहीं होता। जैन एक धर्म नहीं है, जैन एक जाति नहीं है, जैन एक जीवन शैली है, जैन एक आचरण है, जैन एक जीवन की विधा है। जैन और हिंदू केवल किसी धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले शब्द नहीं है। हिंदू के मायने होता है जो हिंसा ना होने दूं। हिंदू अपने आप को कहता है, वो हिंदू इसीलिए कहता है कि हिंदू अहिंसा पर विश्वास रखता है, करुणा पर विश्वास रखता है, अहिंसा और करुणा मूलक जीवन सिद्धांतों को स्वयं जीता है और सारी दुनिया में उसको प्रचारित करता है। इसलिए हिंदू का मायने होता है कि जो कहे कि मैं हिंसा ना होने दूं, वो है हिंदू। यानी जो हिंसा से दूर रहता है वो हिंदू हुआ करता है। जो अपनी इंद्रियों को जीतता है, अपने मन को जीतता है, अपने आप को जीतता है, वो जैन होता है। और जो ईश्वर का प्यारा होता है वो ईसाई होता है। जो अपने गुरु का शिष्य होता है वो सिख होता है। और जो बोधि को उपलब्ध हो जाता है वो बौद्ध हो जाता है। और जो संसार के पार जो ईश्वर है उसे देख लेता है वो पारसी माना जाता है। कितने प्यारे शब्द चुने हैं, कितने सार्थक शब्द चुने हैं। हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये शब्द किसी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, अपितु एक आचरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक चिंतन और चर्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। आदर्शों की केवल प्रशंसा ना करें, उन्हें पसंद भी करें।
ताकि जिन ऊंचाइयों को उन्होंने पाया है उन ऊंचाइयों पर हम भी पहुंच सके और उन ऊंचाइयों को हम भी स्पर्श करके अपने जीवन को ऊंचा उठा सके। दुनिया ने उसी सिर पर बिठाया है जिसने अपने जीवन अपने चरित्र को ऊंचा उठाया है। दुनिया में उसे पूजा गया है, दुनिया में उसकी अर्चना हुई है, दुनिया में उसकी सम्मान की भावना जगी है उसके प्रति जिसने अपने चरित्र को ऊंचा उठाया है, अपने आचरण को ऊंचा उठाया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब धर्म के आदमी एक हो जाएं, सारे संप्रदाय एक हो जाएं, सारे संप्रदाय एक नहीं हो सकते हैं, लेकिन कम से कम हम एक दूसरे के प्रति कटुता का भाव ना रखें, एक दूसरे के प्रति ज्वेलसी की भावना ना रखें, एक दूसरे को देख करके ईर्ष्या ना करें, एक दूसरे को देख करके मन में बुरे भाव ना लाए, इतना तो हो ही सकता है। क्योंकि भारत में अनेक जाति है, अनेक मजहब है, अनेक समुदाय के लोग हैं, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक तरह की विचारधाराएँ हैं, फिर भी भारत की विशेषता है यहाँ एकता में अनेकता के दर्शन होते हैं। Now it's a time to take a short break, but please don't go away. We'll be right back. For your tax-free donations, suggestions, and comments, please visit mangalamshow.com. Welcome back to Mangalam. Now we go towards the lecture and listen to the rest of the lecture. और अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। हम में मतभेद हैं, लेकिन हम में मनभेद नहीं हैं। मतभेद रहे, मतभेद रहना चाहिए। मतभेद रहने से कोई संसार को, कोई देश को कोई खतरा पैदा नहीं होता है, लेकिन जब मनभेद होता है तो देश को और समाज को और परिवार को और धर्म को सभी के सिर पर खतरे मंडराने लगते हैं। मतभेद हो सकता है, मतभेद रहे रहे कोई बात नहीं, लेकिन मनभेद नहीं रहना चाहिए। मन में कोई भेद नहीं होना चाहिए। मकान में दीवार खड़ी हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन मन में दीवार खड़ी नहीं होनी चाहिए। हिंदू और मुस्लिम के आत्मघाती लेबल उतार करके अगर हम देश की समृद्धि के लिए कोई कर्म करें, देश की उन्नति के लिए कोई कर्म करें, तो हमारा इस देश में पैदा होना सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। हमें अपने आप पर गर्व होगा, हमने अपने आप पर गौरव होगा, हमें अपनी चर्या पर प्रसन्नता होगी। ये देश वो देश है जहाँ पर अहिंसा की जय घोष हुआ करती है। यह देश वो देश है जहाँ करुणा को पुकारा जाता है, करुणा को पूजा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज इस देश में 36,000 पूचड़ खाने हैं। जब इस मुल्क में आजादी नहीं थी, हमने आजादी उपलब्ध नहीं की थी, हम आजाद नहीं हुए थे, अंग्रेजों का शासन था, तब इस देश में केवल 300 कत्ल खाने थे। आज जब हम आजाद हैं, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, हमारी अपनी सरकार है, हमारे अपने चुने हुए प्रतिनिधि लोग हैं, हमारा अपना संविधान है, हमारी अपनी न्यायपालिका है, हमारा अपना अखबार है, मीडिया है, तब इस देश में 36,000 बूचड़ खाने हैं। और उन 36,000 बूचड़ खानों में, कत्ल खानों में, कसाई खानों में हर रोज 4,098,098 पशु काटे जाते हैं। दुर्भाग्य का विषय है देश के अहिंसा प्रेमियों के लिए, अपने आदर्शों की पूजा करने वालों के लिए। किसी मंदिर का शिखर गिर जाता है, किसी मस्जिद की मीनार गिर जाती है, तो पूरे देश में तहलका मच जाता है, हल्ला मचाया जाता है। किसी मंदिर की देव प्रतिमा का गला काट दिया जाता है, तो पूरे देश में हल्ला मच जाता है, देश में हल्ला हो जाता है, हल्ला बोल दिया जाता है। लेकिन सूरज की पहली किरण निकलने के साथ ही कत्ल खानों में 4,90,000 अनुष्ठान में पशुओं को काट दिया जाता है, उनकी गर्दनों को धड़ से अलग कर दिया जाता है, तब कहीं से कोई आवाज नहीं निकलती है, कहीं से चू तक की आवाज नहीं सुनाई देती है। मैं पूछता हूं, ऐसा आखिर क्यों? देर से ही सही गलत नीति का विरोध होना चाहिए। गलत को गलत कहने की हिम्मत बरकरार रखिए। एक याद रखना हमेशा इस वक्तव्य को याद रखना। मैं मानता हूं कि दुनिया में बुराइयां हैं, पर तुमने कभी यह भी सोचा कि बुराइयां क्यों हैं? मैं मानता हूं कि दुनिया में बुराइयां हैं, पर तुमने कभी यह भी सोचा कि दुनिया में बुराइयां क्यों हैं?
बुराइयां इसीलिए नहीं है कि दुनिया में बुरे लोग हैं, अपितु बुराइयां इसीलिए हैं। बुराइयां दुनिया में इसीलिए नहीं है कि भले आदमी भले बुराई बुरे आदमी ज्यादा बोलते हैं, अपितु बुराइयां इसीलिए है कि भले आदमी समय पर चुप रह जाते हैं, भले आदमी समय पर मौन हो जाया करते हैं। ये मौन होने का दुष्परिणाम है कि आज भारत जैसे धर्म प्राण देश में राम कृष्ण बुद्ध महावीर और गुरु नानक की धरती पर घी दूध की नदियों की जगह रक्त की और खून की नदियां बह रही है। आज भी इस देश में 50,000 गोवंश प्रतिदिन काटा जाता है। गाय जिसको हमने माता कहा है, गाय जिसका हमने दूध पिया है, किसी भी कौम और समुदाय का आदमी हो वो जीवन में गाय का दूध पी करके ही बड़ा होता है। अरे उसे जन्म देने वाली माँ तो कुछ दिन ही दूध पिलाया करती है, कुछ महीने ही दूध पिलाया करती है, कुछ साल ही दूध पिलाया करती है, कुछ महीने कुछ साल के बाद जन्म देने वाली माँ भी अपने आंचल का दूध उस बेटे को पिलाना बंद कर दिया करती है। फिर बाद में वो आदमी गाय का दूध पीकर ही बड़ा होता है और गाय के दूध से ही ऊर्जा प्राप्त करता है, शक्ति प्राप्त करता है। जिस गाय का तुमने दूध पिया और उस गाय को तुमने बाद में कसाईयों के हाथों दे दिया, तुम भी हत्यारे हो। गाय को काटने वाला ही हत्यारा नहीं होता है। याद रखना, ध्यान रखना, इस बात को हमेशा अपने दिल दिमाग में बिठा के रखना कि गाय को काटने वाला, गाय की गर्दन पर खंजर चलाने वाला ही हत्यारा नहीं होता है। वो आदमी जो चंद रुपयों के लिए, चंद रंग बिरंगे कागजों के लिए गाय को कसाईयों के हाथे हाँक देता है वो आदमी भी हत्यारा है। और जो उसका मांस खाता है वो आदमी भी हत्यारा है। और जो उसके मांस को विदेश में निर्यात करता है वो आदमी भी हत्यारा है। वो सभी हत्यारे हैं जो उस हत्या में किसी ना किसी रूप से साझेदार हैं, भागीदार हैं। इस देश से मांस का निर्यात हो रहा है। आपको पता है कि इस देश में जो 4,90,098 जानवर हर रोज सुबह सूरज जब हमारे मंदिरों में पूजाएं होती हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, अर्चनाएं होती हैं, मंदिरों में घंटियां बजती है, इधर पूजाएं चल रही होती हैं, उधर लाखों जानवरों की गर्दनों पर छुरी चल रही होती है। और जो लाखों जानवर हर रोज कटता है उसका 90% मांस विदेशों में भेज दिया जाता है। किस लिए? केवल विदेशी मुद्रा को हथियाने के लिए। हीरों का निर्यात करो, मोतियों का निर्यात करो, भारत की वसुंधरा, भारत की धरती की जिसे हिरण्य गर्भा कहा गया है, उसमें बहुत से रत्न हैं, उनका निर्यात करो और निर्यात करके देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करो। लेकिन मांस का निर्यात अविलंब प्रतिबंधित होना चाहिए और इसके लिए एक जनमत की जरूरत है। जब तक देश में जनमत नहीं होगा, इस देश का अहिंसा प्रेमी आदमी, अहिंसा प्रेमी लोग, चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, हिंसा का विरोध होना चाहिए, हिंसा का खुल करके विरोध होना चाहिए और अहिंसा के समर्थन में एक अहिंसक मोर्चा कायम किया जाना चाहिए कि इस देश से मांस का निर्यात ना हो, इस देश में पशु हत्या ना हो, इस देश में गोवंश पर, गो हत्या पर प्रतिबंध लगे। ये हमारा प्रयास होना चाहिए और इसके लिए जनमत संग्रह किया जाना चाहिए, क्योंकि देश 80% जनता अहिंसा, करुणा, जीव दया, पशुओं के प्रति दया की भावना रखती है, उस पर श्रद्धा और विश्वास रखती है। मैं मुनि तरुण सागर देश के समस्त धर्माचार्यों से, जगत गुरुओं से, शंकराचार्यों से, आचार्यों से, मुनियों से, संतों से, महंतों से, अहिंसा प्रेमी लोगों से आह्वान कर रहा हूं कि मांस निर्यात और कत्ल खानों के विरोध में, मांस निर्यात, मांसाहार और कत्ल खानों के उन्मूलन के लिए तख्त और वक्त पर एक हो जाएं, अहिंसा के समर्थन में, अहिंसा के जयघोष के लिए, करुणा की जयघोष के लिए, देश की पशुधन की संपदा को बचाने के लिए तख्त और वक्त पर एक हो जाएं, और ताकि अहिंसा और करुणा का सहारा लेकर के इस देश को रहने के लायक बनाया जा सके, इस देश को रहने के काबिल बनाया जा सके। अगर इस देश को गर्त में जाने से बचाना है तो अहिंसा और करुणा मूलक सिद्धांतों को प्रचारित करना होगा। अहिंसा महाकुंभ इसी दिशा में उठा एक क्रम है। 21वीं सदी में जब हम प्रवेश करें
तो अहिंसा का जयघोष करते हुए प्रवेश करे, जियो और जीने दो का संदेश लेकर के प्रवेश करे, तो आने वाली सदी अहिंसामय सदी होगी और देश समृद्ध होगा, देश उन्नति करेगा, देश तरक्की करेगा। अगर देश समृद्ध होगा तो दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। भारत का मस्तक हमेशा ऊंचा रहा है, ऊंचा रहेगा। Now we'll take a short break, but we'll be back with the Bhakti Sangeet and Jain News. So stay tuned. For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. Welcome back. Now we present to you the Global Jain News by our host Rishabh Mehta. After that, we will listen to a melodious bhajan by our youngsters from here. Dear Jinandra, welcome to Global Jain News. I am Rishabh Mehta. The Jain monk Sri Chandrasekhar Maharaj Sahib passed away in Ahmedabad on August 8, 2011. Born in Mumbai in a rich family, Sri Chandrasekhar Maharaj took Diksha at a young age of 18. He gave Diksha to 87 disciples and authored 275 books. Sri Chandrasekhar Maharaj Sahib's main contribution was to attach the Jain youth with the Jain faith. He organized numerous youth camps and created channels through which youths came closer to the Jain faith. He was instrumental in the creation of Veer Sainik Dal, Sanskriti Rakshan Dal, and other small organizations working in this direction. Sri Chandrasekhar Maharaj's last rites were performed in Tapovan Vidyapeeth near Gandhinagar. The Mahamastak Abhishek offering to Sri Bahubali's monolithic statue at Vennore will be held during January to February 2012. A preparatory meeting of the organizing committee was held in Sri Bahubali Auditorium. The Swamiji Muthbidri Mutt invoked blessings, pointing out that the Mahamastak Abhishek event signified sacrifice. Many Jain saints and community leaders took part in the deliberations and contributed useful inputs and counsel for the planning of the event. On the occasion of the march to protest the commissioning of the additional slaughterhouses in the state of Uttar Pradesh, the Federation of Indian Animal Protection Organization has asked dairy industry to take equal liability for the slaughter of cows, buffalo, and their progeny, and ask consumers to stop consumption of dairy products as a start, if any cows are to be saved. Cows raised for milk are typically only 6 to 7 years old when they're sent to slaughter. They're forced to walk for days without any food or water to states where they can legally be killed. This is all we have for today's Jain News. We'll be back next week. Until then, Jai Jinandra. Sanskar was a program presented by Jain Center of America for a fundraising for the center. This was a unique program. It was a religious
program, spirituality was at the highest and the performances were at the best. They were performed by our local talented youths and they were choreographed by notable artists like Rachna Saranji and Jamuna Mitchum. These highlights are being brought to you so that you could be prepared to see the full program. The full program will be shown to you in upcoming episodes, so please stay tuned. And now we present to you the Jain Thought. Jai Janindra, my name is Anushka. This week's theme is on my t-shirt. Let me read it for you. Jain Jinas, Tirthankars are pioneers in explaining the meaning, importance and path of non-violence. Jain Saint's character is the most adorable, ideal and inspirational way to practice non-violence. Jain philosophy, live and let live. I am wearing the school shirt today. You can wear it too. Contact mangalamshow.com. Jai Janendra. I hope you enjoyed today's program. Please write to us. We would like to know your suggestions and your comments about our program. So write to us at mangalamshow@gmail.com. Please visit our website at mangalamshow.com. You will have more information about the t-shirts, the Jain Thoughts and other things. So please do visit. We will come again next time, next week, same time. So please don't forget to tune in. Until then, Jai Janendra.